अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो INC यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से BSc नर्सिंग और GNM के हवाले से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पे INC की तरफ से BSc नर्सिंग और GNM के हवाले से क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी नर्सिंग के कॉलेज, चाहे वो BSc नर्सिंग क्यों, चाहे पोस्ट बेसिक क्यों, चाहे MSc नर्सिंग क्यों, GNM ANM वगैरह के कॉलेजेस हों, तो उन सभी कॉलेजेस का एडमिशन का प्रोसेस, इंट्रेंस का सिलेबस या उनमें कितनी सीट्स होती हैं, वो सारा का सारा कॉलेज डिसाइड नहीं करता, वो INC यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल डिसाइड करता है। जैसे फार्मेसी में PCI करता है, MBBS में जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI करता है, और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डेंटल कोर्सेज डेंटल कॉलेजेस के लिए यहां पे करता है। तो नर्सिंग कॉलेजेस के हवाले से यहां पे INC ने 6 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इन्होंने जो है वो सीट्स के हवाले से अपडेट दिया कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स होनी चाहिए, उसके हवाले से एक ऑफिशियल नोट्स इन्होंने यहां पे जारी किया है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में यही समझाने वाला हूं। तो स्क्रीन पे यहां पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी, यहां पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2024, डेट देख सकते हैं 6 मार्च 2024 की है। ऊपर यहां पे देख सकते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। INC की वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगी। वहां पे यहां पे अगर आप देख लोगे सब्जेक्ट नंबर ऑफ सेंक्शन सीट्स फॉर BSc नर्सिंग प्रोग्राम, ठीक, यहां पे आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग और GNM के लिए इन्होंने यहां पे सीट्स को जो है अनाउंस किया है। तो इसमें नोटिफिकेशन यहां पे दिख रहा होगा आपको, नोटिफिकेशन नंबर आर्डर दिस दिस एंड दिस, इसमें इन्होंने कहा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स यहां पे होनी चाहिए BSc नर्सिंग के लिए और GNM के लिए। तो यहां पे नीचे हम आके देख लेंगे, एक-एक करके हम सभी का देख लेंगे किस कॉलेज में कितनी। तो देखिए, पहले इन्होंने यहां पे कहा है कि फॉर इंस्टीट्यूट्स हैविंग 200 बेडेड सिंगल पेरेंट हॉस्पिटल। आपको पता है कि जो नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं, इनमें आपको प्रैक्टिकल के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और जो जो नर्सिंग के कॉलेजेस होते हैं या तो उनके पास अपना हॉस्पिटल होता है या वो किसी एफिलेटेड हॉस्पिटल के साथ जो है वो काम करते हैं और स्टूडेंट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जिन कॉलेजेस में 200 बेडेड हॉस्पिटल है, ठीक, 200 बेडेड हॉस्पिटल या उसके साथ एफिलेटेड है या अपना हॉस्पिटल है, तो उसमें यहाँ पे टोटल 140 सीट्स होनी चाहिए, ठीक। वो टोटल 140 सीट्स में से जो 60 सीटें होनी चाहिए वो GNM के लिए होनी चाहिए और 80 सीटें जो होनी चाहिए वो BSc नर्सिंग के लिए होनी चाहिए, ठीक। 200 बेडेड हॉस्पिटल्स में 140 नर्सिंग की सीट्स रहेंगी, जिसमें GNM के लिए 60 सीटें रहेंगी और BSc नर्सिंग के लिए 80 सीटें रहेंगी। अगर वहां पे GNM नहीं होता है तो 140 की 40 सीटें जो होनी चाहिए वो BSc नर्सिंग में ही होनी चाहिए। अगर उसमें GNM भी होता है तो 80 सीटें जो होनी चाहिए वो GNM में यहां पे आपके 60 सीटें GNM में होनी चाहिए। अगर GNM नहीं होता है तो 140 की 140 जो होंगी वो BSc नर्सिंग के लिए यहां पे फिल होनी चाहिए, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग आपका सारा प्रोसेस चलेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपकी सीट्स वगैरह देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा है कि जिन इंस्टीट्यूट्स के साथ या जिन इंस्टीट्यूट्स के साथ 300 बेडेड हॉस्टल है, ठीक, जिन इंस्टीट्यूट्स के पास 300 जिन कॉलेजेस के पास 300 बेडेड हॉस्टल है उसमें यहां पे टोटल 200 सीट्स रहेंगी। 200 सीट्स में से 100 सीट्स GNM के लिए रहेंगी और 100 सीट्स जो रहेंगी वो यहां पे आपके BSc नर्सिंग के लिए रहेंगी। अगर वहां पे GNM नहीं होता है तो 200 की 200 जो सीट्स होंगी वो यहां पे 200 की 200 जो सीट्स यहाँ पे आपकी रहेंगी वो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो BSc नर्सिंग के लिए रहेंगी, ठीक। इन्होंने यहाँ पे 300 बेडेड जो हॉस्पिटल है उसमें 200 सीटें रहेंगी, 100 GNM के लिए रहेंगी और 100 BSc नर्सिंग के लिए रहेंगी। अगर GNM नहीं होता है तो 200 की 200 जो है वो BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेंगी, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा है कि अगर किसी कॉलेज में या किसी मेडिकल कॉलेज में 500 बेडेड या 500 बेडेड के अबो, ठीक, हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स वगैरह है, तो उसमें यहाँ पे टोटल 250 स्टूडेंट जो है वो एडमिशन मिलेगा, 250 स्टूडेंट्स नर्सिंग के लिए सीट्स उनमें रहेंगी, जिसमें GNM में अगर होता है तो उसके लिए 100 सीटें रहेंगी और 150 सीटें जो रहेंगी वो BSc नर्सिंग के लिए रहेंगी। अगर BSc नर्सिंग वहां पे नहीं होता तो 250 की 250 जो सीटें रहेंगी वो यहां पे जो है वो BSc नर्सिंग में ही रहेंगी। यानी कि अगर 500 बेडेड या 500 बेडेड के ऊपर ज्यादा हॉस्पिटल, मतलब ज्यादा बेडेड हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल है जैसे एम्स वगैरह है, तो उसमें 250 सीटें रहेंगी, 100 उसमें GNM के लिए रहेंगी और 150 उसमें BSc नर्सिंग के लिए रहेंगी। अगर वहां पे GNM नहीं होता तो 250 की 250 जो सीटें रहेंगी वो आपकी BSc नर्सिंग के लिए रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे नीचे इसमें ये भी मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:10 रहना चाहिए, यानी कि 10 स्टूडेंट एक टीचर यहाँ पे रहना चाहिए। हालांकि 1:10 होता नहीं है, अगर 1:10 रहेगा तो बहुत सारे जो वो उनको स्टाफ लगेगा वहां पे, 1:10 होता नहीं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन किया है और हाईलाइट करके इसको मेंशन किया है कि 1:10 यहाँ पे रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट का और टीचर का, 10 स्टूडेंट के साथ एक टीचर होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिन हॉस्पिटल्स में जो है वो ट्रेनिंग ली जाएगी उनमें
1:3 यानी कि 1:3 स्टूडेंट और पेशेंट का रेशो होनी चाहिए, यानी कि 3 पेशेंट्स के साथ एक नर्स यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि एक नर्स के स्टूडेंट वहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि पेशेंट और स्टूडेंट के बीच में 3:1 का रेशो होना चाहिए और टीचर और स्टूडेंट के बीच में 10:1 का रेशो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, ये नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको ये नोटिफिकेशन डिटेल में समझा दी, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।